ठीक मस्त। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। पिछले के लेक्चर में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको हम बताएंगे कि कोई नेगेटिव सेंटेंस है उसको हम कैसे बनाएंगे। और आप सारे नेगेटिव सेंटेंस जानते हो क्या होते हैं? कोई भी वाक्य जिसमें नहीं लगा हो, कोई भी वाक्य जिसमें नहीं लगा हो, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, वह घर नहीं जाती है, वह नहीं पढ़ता है, ठीक। तो इसमें नहीं लगा हो तो नेगेटिव सेंटेंस की पहचान यही होती है, कोई भी सेंटेंस हो इसमें नहीं लगा हो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे तुमने आपको बता दिया, ठीक, और हम इसको कैसे बनाएंगे ये अब हम आपको बताएंगे। तो इसका फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको बताया था क्या फॉर्मेशन था उसका। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने डू डज का प्रयोग नहीं किया था इसलिए वहाँ पर एस या ई एस लगा थे, लेकिन यहाँ पर डू डज का प्रयोग कर रहे हैं तो एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक। तो फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस डज डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ये फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन को फॉलो करके हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक। तो नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो सब्जेक्ट मैं की क्या होगी? आई। फिर डज या डू, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ क्या लगेगा? डू। तो डू, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना रीड, फिर ऑब्जेक्ट बुक, ठीक। सीता भोजन नहीं पकाती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर डज लगाएंगे। फिर नॉट, नॉट पकाना वर्ब है तो कुक, फिर द फूड, ठीक। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सब्जेक्ट क्या है? दे। दे प्लूरल है, क्या लगेगा? डू। दे डू, फिर नॉट खेलना की प्ले, ऑब्जेक्ट द क्रिकेट, ठीक। तो वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले द क्रिकेट, ठीक। इसके आइए एग्जाम्पल हम और देखते हैं, ठीक है। हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल और क्या है? पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, तो कैसे लगे? पक्षी यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट द बर्ड्स, पक्षी यानी बहुत पक्षी हैं आकाश में, एक तो उड़े उड़ता नहीं, काफी उड़ गए हैं पक्षी, तो द बर्ड्स प्लूरल हो गए, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। डू, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उड़ना की क्या होती है? फ्लाई इन द स्काई, इन किस लिए लगा? आकाश में उड़ते हैं, इन द स्काई, द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। सेकेंड एग्जाम्पल, वह मंदिर नहीं जाता है, तो वह क्या है? सब्जेक्ट, फिर डज या डू, सब्जेक्ट ही सिमिलर है, ही डज, फिर नॉट, फिर जाना की गो फर्स्ट फॉर्म, गो टू मार्केट, वह मंदिर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक। और ये एग्जाम्पल हैं जिन्हें आप कर सकते हैं होमवर्क में, अगर आप करना चाहें, आप अपने आप को जानना चाहते हैं कि हमें आया कि नहीं, तो आप ये टेंस कीजिएगा, और जो टेंस आपको नहीं आए वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसे हम बताएंगे आपको, ठीक। धन्यवाद।